कांग्रेस को आजकल कुछ लोग बैलगाड़ी बोलने लगे हैं। आखिर कांग्रेस के दिग्गज कहे जाने वाले करीब करीब कई नेता और कई पूर्व मंत्री आजकल बेल पर यानी कि जमानत पर है। आज जो काम हो रहे हैं वो पहले भी हो सकते थे, लेकिन पहले की जो सरकारें रही तो उन्होंने किस नियत से काम किया उससे आप भली भांति परिचित हैं। साथियों, चार वर्ष पहले की स्थिति आप भूले नहीं होंगे और मैं राजस्थान के लोगों से आग्रह करूंगा कि चार साल पहले की कौन सी स्थितियां थी, किन परिस्थितियों में वसुंधरा जी को कारोबार संभालना पड़ा, पिछली सरकार राजस्थान में कैसे हाल छोड़ के गई थी, उन बातों को कभी भूलना मत। तब जाकर के पता चलेगा कि आज काम कैसे हो रहा। पहले की जो सरकारें रही तो उन्होंने किस नियत से काम किया उससे आप भली भांति परिचित हैं। इसी नियत का परिणाम है कांग्रेस को आजकल कुछ लोग बैलगाड़ी बोलने लगे हैं। आखिर कांग्रेस के दिग्गज कहे जाने वाले करीब करीब कई नेता और कई पूर्व मंत्री आजकल बेल पर यानी कि जमानत पर है। ये सारे प्रोजेक्ट राजस्थान के शहरों और कस्बों में बेहतर और स्मार्ट सुविधाओं के निर्माण से जुड़े हैं। ट्रैफिक जाम से मुक्ति का समाधान हो या फिर सीवेज की बेहतर व्यवस्था हो, ये सारे प्रोजेक्ट इन सभी शहरों में जीवन को सुगम बनाने वाले हैं। एक प्रकार से योजनाएं उसके कारण सिर्फ कागज पर अटक नहीं जाती हैं, वो जन जन तक पहुंचती है। चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारा एकमात्र एजेंडा रहा है और वो है विकास, विकास और विकास। सरकार 2022 तक, जब आजादी के 75 साल होंगे, किसान की आय दोगुना करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। न्यू इंडिया का निर्माण नए राजस्थान के बगैर संभव नहीं है।